देश भर में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में बहादुरगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। कांग्रेस नेता अरुण खत्रे के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता अरुण खत्रे का कहना है कि देश भर में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार को जगाने के लिए वो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे लगातार। मेरे निवास स्थान से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमने राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और विधायक राजेंद्र जी के कुशल मार्गदर्शन में मेरे निवास स्थान से शुरू करके माल गोदाम रोड से होते हुए रेलवे रोड और काठमंडी और अब लाल चौक पर हमने महंगाई का पुतला फूका, भ्रष्टाचारी के विरोध में पुतला फूका है और बेरोजगारी के विरोध में पुतला फूका है। क्योंकि बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, इन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हुआ इसके विपरीत। आज बेरोजगारी अपने चरम पर है, शीर्ष पर है, भ्रष्टाचारी भी अपने चरम पर और शीर्ष पर है।